इमोशन से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो एवरीवन, माईसेल्फ गगन, मैं सीनियर मैथमेटिक्स फैकल्टी हूँ मोशन मुजफ्फरपुर। आज हमारा क्या क्वेश्चन रहेगा, देखिए लिबनीज पे ही एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। हमने लिबनीज रूल जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था, और यहाँ पर क्या है, हम उसी की प्रॉपर्टी को यूज करके एक जो है कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने वाला इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में मुझसे ये कहता है इफ एफ ए इज इक्वल टू जीरो टू वन, ठीक है, और x पावर a माइनस वन डिवाइड बाई एल एन एक्स डॉट डी एक्स। अब देखिए इसका सिनेरियो क्या बनता है, कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि क्यों ना भाई मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर दूं। बाय पार्ट से करने में तो ये तो और भी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। इसे आप जो है एल एन को फर्स्ट मानेंगे और दूसरे को जो है सेकंड मानेंगे, फिर फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का किया माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर अगेन एक इंटीग्रेशन, काफ़ी हॉरिबल सी सिचुएशन बन जाएगी एल एन एक्स के लिए। तो फिर मैंने कहा इसके लिए अब हम क्या करते हैं, देखिए क्या मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर सकता हूं। देखिए फंक्शन पूरा a पे डिपेंडेंट है, x पे नहीं, तो मैंने क्या किया दोनों तरफ a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। तो जैसे ही डिफरेंशिएशन किया तो ये कहानी में क्या बन गया, देखिए इस बार जो है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अंदर चला गया, साथ में क्या आ गया डॉट डी एक्स आया। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ठीक है एल एन एक्स जो है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, क्यों, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो मैंने क्या किया, मुझे ये पता लग गया यहां आ गया एफ डैश ए, ठीक है, जीरो टू वन। अब देखिए एल एन जो है वो एज इट इज बाहर आ गया। अब सोचिए ए के रिस्पेक्ट में एक्स की पावर, देखिए ए के रिस्पेक्ट में अब ये एक्स कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है और ए जो है वो किसकी तरह, वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है। तो मुझे ये पता है ए पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन करता हूँ किसके रिस्पेक्ट में, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बनता है बच्चों, ए पावर एक्स डॉट एल एन ए बनता है। ऑब्वियस ही बात है कि ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, और ए जो है जो मतलब बेस में रखी हुई वैल्यू है वो एल एन के साथ आ जाती है। हाँ अच्छा, तो अब मैंने क्या किया, यही क्या किया, मैंने इसको डिफरेंशिएशन करना शुरू किया। अब डिफरेंशिएशन करना शुरू किया तो बच्चों ये क्या बन गया, ध्यान से देखो, x पावर a मतलब a पावर x टाइप का डिफरेंशिएशन। तो पहले ये सेम, ठीक है, ठीक है, ये सेम आने का मतलब कि ये बनेगा x की पावर a डॉट, अब क्या बनेगा जो बेस में है ln x, ठीक है बच्चों, और बाहर क्या आ गया dx। अब ध्यान से देखो ln x से ln x गया तो हमारी टेंशन खत्म हुई, ठीक। अब मैंने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को प्रसीव किया, मैंने कहा कि अब जो मेरे पास बन रहा है जीरो टू वन, क्या एफ डैश ए वो इक्वल टू कितना बन रहा है बच्चों, एक्स पावर ए डॉट डी एक्स बन रहा है। अब देखो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ए क्या बिहेव करेगा, कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो अब मैं इससे आगे चलता हूं, ठीक है, इससे आगे कैसे चलेंगे, अब देखिए, अब अगर मैं आगे की बात करूं तो ये कैसा बन जाएगा, एफ डैश ए इक्वल टू, देखिए जीरो टू वन, तो इसका मतलब देखिए एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, एक्स ए प्लस वन डिवाइड बाय बच्चों ए प्लस वन, लिमिट कहां से कहां तक, जीरो टू वन। अब फिर से कहानी बननी शुरू होती है, ठीक है। अच्छा भैया अगर जीरो टू वन बना तो अब अपने कहानी सोचते हैं ये क्या बनेगी, एफ डैश ए पहले अपर लिमिट रखी, अपर लिमिट रखते ही बनेगा, ठीक, और माइनस अब मैं क्या रखूंगा, ध्यान से समझिएगा, जीरो, जीरो रखते ही ये पूरी कहानी में क्या बन गया, जीरो। अच्छा तो भाई एफ डैश ए इक्वल टू कितना आ गया, वन अपॉन ए प्लस वन, हाँ अच्छा वन अपॉन ए प्लस वन आया, तो अब कहानी में क्या खुला, अब इसका एफ डैश ए इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन। मुझे तो एफ डैश ए थोड़ी चाहिए था, एफ ए चाहिए था, तो मैंने कहा ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये बन गया एफ ए, और ये क्या बन गया बच्चों, ठीक है, ये बन गया एल एन ए प्लस वन प्लस, ये कितना आ गया बच्चों, सी एफ ए। हाँ भाई अब अपने पास सीन ये बना कि ये सी मेरे को अब तंग करेगा, मुझे सी तो चाहिए नहीं, तो मैंने कहा क्यों ना एक काम करता हूं, ए इक्वल टू जीरो रख देता हूं। जैसे मैंने ए इक्वल टू जीरो रखा ना, तो ये पूरा फंक्शन जीरो, सॉरी आपको क्या दे देगा, ये पूरा फंक्शन आपको जो है जीरो दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो वन माइनस वन, ठीक है। हाँ तो मुझे ये पता लगा कि एफ जीरो के नाम पे मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से समझिएगा, जीरो
ठीक है, F0 के नाम पे 0 लिखूंगा, तो इसको हाईलाइट करके एक बार हम रिजल्ट को साइड में रख देते हैं कि हाँ साहब ये कहानी तो बनी, ठीक है। अच्छा ये 0, अब यहां क्या बचेगा ध्यान से समझे, LN1 बचेगा, तो 0, तो C के नाम पे कितना आ गया बच्चों 0। अच्छा तो इसका मतलब जो हमारे पास FA बन रहा है वो कितना बन रहा है बच्चों, FA इक्वल टू बन रहा है बच्चों LN A+1। अच्छा भाई अगर LN A+1 बन रहा है तो हमें क्या चाहिए, F1 चाहिए, तो A के नाम पे बच्चों कितना रखा 1, तो F1 इक्वल टू कितना आ गया LN2, एंड दैट्स ओवर, फाइनल आंसर। जी एडवांस का काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इसी कंसेप्ट पे आपको बहुत से जितने भी आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स और कुछ स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स वगैरह को जब आप देखेंगे तो आपको इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर एक ही अलग अलग वैल्यूज रखी होंगी, कभी 2, कभी 1, कभी 3 और कभी n भी चलेगा, तो बेसिक अप्रोच यही रहेगी। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।